दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप शॉपी एप्लीकेशन में अपना एटीएम कार्ड ऐड कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि शॉपी एप्लीकेशन में हम जो है अपना एटीएम कार्ड कैसे ऐड करें, तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में शॉपी एप्लीकेशन को ओपन करना है। शॉपी एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर सिंपली इस मी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट एंड कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप जो है अपना एटीएम कार्ड ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको अपने कार्ड को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ऐड न्यू कार्ड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको कार्ड डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्ड नंबर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो भी कार्ड है यहाँ पर आपको अपने कार्ड का नंबर टाइप करना है। एक्सपायरी डेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर CVV ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने कार्ड के पीछे आपको जो है CVV नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपने कार्ड का CVV नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आपके कार्ड के पीछे की ओर आपको जो है 3 डिजिट का कुछ इस तरीके से जो है CVV नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना CVV नंबर डालने के बाद नीचे की ओर नेम ऑन कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कार्ड पर आपका जो भी नेम है यहाँ पर आपको अपने नेम को टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर बिलिंग एड्रेस में एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो अपना एड्रेस टाइप करना है। और यहाँ पर पोस्टल कोड पर क्लिक करने के बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर आपको डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। और सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो है कार्ड जो है शॉपी अकाउंट पर ऐड हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप शॉपी एप्लीकेशन में अपना जो है एटीएम कार्ड ऐड कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।